ये मैं न्यूट्रल पे खड़ी कर दी है मैंने बाइक, और ये क्या चढ़ रही है क्या? हाँ धीरे धीरे चल तो रही है, चल रही है। अरे हाँ चल रही है, दिखने में ऐसे लगता है चढ़ाई है लेकिन चल रही है। देखो न्यूट्रल में है बाइक। पागल है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। तो आज जो हमारी राइड है उसका मतलब रिटर्न वाला दिन एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट था पेंगोंग लेक, जो हमारे सर्किट का लास्ट पार्ट था, वो कम्प्लीट कर लिया। और पेंगोंग लेक के बाद हम लोगों ने चांगला क्रॉस करते हुए वापस लेह सिटी में आके कल रुके थे। तो आज का दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे राइड के साथ, क्योंकि आज हमें पहुंचना है कारगिल के अंदर। तो कारगिल के लिए हम लोग 7 से 7:30 के बीच निकलने का प्लान है, लेकिन देखते हैं, निकलते निकलते 8-9 तो बज ही जाते हैं। और कल रात को ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेदर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट 3 डेज़ हैं उनमें जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है, मतलब कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ। हाल फिलहाल तो चांदनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई पूरे ट्रिप के अंदर। हाँ एक दो जगह जो प्रॉब्लम आई थी उसमें ऋषि भाई ने काफ़ी हेल्प करी। तो बस आज की जो राइड है वो देखते हैं, मैं पहली बार राइड करूँगा J&K के अंदर बाइक। तो हम लोगों ने हिमाचल में भी बाइक चला ली, लेह लद्दाख में चला ली, हरियाणा में चला ली, दिल्ली के आउटर में चला ली, राजस्थान में चला ली। अब आज हम चलाएंगे बाइक J&K में। तो अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हैं, मेरी बाइक ऑलरेडी रेडी है, उधर शुभम अपनी रेडी कर रहे हैं और बाकी सब लोग भी रेडी हैं, बस सामान लाके लोड करना बाकी है। और अभी हम निकल रहे हैं शायद कारगिल की तरफ। कारगिल कितने किलोमीटर है भाई? 200 किलोमीटर है, और गूगल मैप पे 4.5 घंटे के अराउंड बता रहा है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम 7 घंटे में कर लेंगे। रुकते रुकते आराम से फोटोग्राफी वगैरह करते हुए जाएंगे तो 7-1 घंटे में कर लेंगे। तो आज थोड़ा मौसम भी, जैसे मैंने सुबह बताया था एडवाइजरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी थोड़े बादल वगैरह हो रखे हैं, तो रास्ते में बारिश तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उस हिसाब से हमने सब कुछ जो रेन लाइनर रेन गियर सब है उस हिसाब से सेट कर दिया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के राइड शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे। सभी ऑल सेट, सभी बाइक्स रेडी हैं और जो भी सामान है सबको वाटरप्रूफ कर दिया है। आज बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाँ रेडी, ओके सब ऑल सेट है, और थोड़ा सा करते हैं वार्म और निकलते हैं। ओके ये रॉयल रेजिडेंसी थी जहाँ हम लोग रुके थे, काफ़ी बढ़िया प्लेस था। हालांकि हर चीज़ को वाटरप्रूफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को आशा है कि इसमें पानी जाएगा और उनमें भी पानी जाएगा, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म के बैग हैं ये गोड्स के, वाटरप्रूफ को ध्यान में रख के 1% भी नहीं बनाए हुए। बाय बाय। तो भाई साहब आज तो लेह का मौसम भी ऐसा हो रखा है कि बादल हो रखे हैं। देखते हैं हम लोगों को बारिश कहाँ तक मिलती है, मतलब कहाँ पे मिलती है। तो हल्की हल्की बारिश तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कहाँ तक होता है, फिर उसके बाद नहीं तो रेनकोट डालने पड़ेगा। अभी लोग अभी मैं जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी को वाटरप्रूफ कर रहे हैं, और मैंने जो नॉर्मल ग्लव्स थे उनको भी निकाल के अंदर टॉप बॉक्स में रख दिए। आज फुल बारिश के अंदर चलना है। पेट्रोल का ढक्कन भी टाइट कर देता हूँ गलती से पानी नहीं जाए। ओके तो ये मेरे लाइनर है, सबसे नीचे लाइनर डाल लेता हूँ, फिर उसके ऊपर ये वाले ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स थोड़े स्लिपरी हैं ज़रूर हैं, बट देखते हैं इनके यूज टू होते हैं आज। ओके बारिश तेज हो गई है जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, सब ठीक रहना चाहिए,
जय बजरंगबली, जय बजरंगबली महाराज, रक्षा करना, चांदनी अच्छे से परफॉर्म करना। आज बिल्कुल अलग टेरेन में बाइक चलानी है, मतलब फुल पानी पानी। ठीक है, तो चलिए राइड शुरू करते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। गो 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 गो, सभी लोग फुल्ली वाटरप्रूफ हो चुके हैं, सबने अपने अपने जो रेन लाइनर है वो डाल लिए हैं। जय बजरंगबली महाराज, राइड को सफल बनाना। थोड़े से हाथ फिसल रहे हैं इन पे, ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है बट थोड़ी बहुत है। जय बजरंगबली महाराज, रक्षा करना, राइड सफल बनाना, चांदनी अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि आज थोड़ा स्लीपिंग का स्लीप होने का डर ज़्यादा रहेगा। पता नहीं उसने क्या देख के घुमाया। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब पर, और कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन एंड मैनेज बाय द आर्मी लिखा हुआ है। अंदर शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग एक बार जाके देख के आते हैं। से 24 किलोमीटर आए थे और ये गुरुद्वारा पत्थर सिंह साहिब आया, बट हम लोग क्या है पूरे गियरअप हैं रेन को लेके, तो यहाँ पे सारा सब कुछ खोल के फिर अंदर जाना पड़ेगा, शूज़ वगैरह और सब। तो इसलिए हम लोग बाहर से ही मत्था टेक के और निकल रहे हैं आगे के लिए। वहाँ के जो वीडियोस हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी वैसे अलाउड नहीं है, तो आप YouTube पे जो जिन भाइयों ने जिन डेयरिंग भाइयों ने पहले डाल रखे हैं उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो कितनी शानदार लोकेशन आई है, ये सीधी रोड जा रही है और जो सामने वाला पहाड़ है उससे एक दूरी सी फील हो रही है। मैग्नेटिक हिल लिखा हुआ है, मतलब वो वाली जो हिल है वो मैग्नेटिक हिल है, और लाइन वगैरह देखते हैं आने वाली है शायद आगे। जी हाँ, उस पहाड़ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल, और यहाँ कहीं लाइन बनी हुई है एक, उस लाइन पे रुक के देखते हैं तो अपना गाड़ी न्यूट्रल में भी कहते हैं कि ऊपर चढ़ती है। ओके, ये मैं न्यूट्रल पर खड़ी कर दी है मैंने बाइक, और ये क्या चढ़ रही है क्या? हाँ धीरे धीरे चल तो रही है, चल रही है, अरे हाँ चल रही है, दिखने में ऐसा लगता है चढ़ाई है लेकिन चल रही है। देखो न्यूट्रल में है बाइक, जी हाँ थोड़ा थोड़ा चल रही है। ये न्यूट्रल में बाइक अपना आप कैसे चल रही है यार लिटरली। वाह, अपना आप न्यूट्रल में बाइक चल रही है, और वो भी इससे नहीं चढ़ाई कर रही है, आगे सामने चढ़ाई दिख रही है मुझे आँखों से। ऐसे नहीं है कि रुकी हुई है, चढ़ाई है और चढ़ाई पे जा रही है। अब ये किस टाइप से चढ़ाई है क्या है, देखो न्यूट्रल पे बाइक जा रही है रुक के। वाह, ये तो अजीब चीज़ है, पहली बार देखी। चलो ये तो खैर अपन ने एक्सपीरियंस कर लिया, अब यहाँ पे थोड़ी चल के फोटोग्राफी करते हैं।